ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। और यहाँ पे जो है ना, हम लोगों को याद आया कि भाई हमें यहाँ पे एक जलसा भी करना है। तो भाई साहब, हम लोग अपने आ चुके हैं अपने इस छोटे से गेस्ट हाउस में। यहाँ पे जो है ना, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम हमारे लिए जो है ना खड़े हो चुके हैं। और भाई साहब, मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में जो है ना ये वाला गेस्ट हाउस नहीं दिखाया था, तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। तो चलिए, पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा टूर करवा देता हूँ। और हाँ, खान साहब भी अंदर है और गाड़ियां तो अपनी यहाँ पे बाहर खड़ी हुई है रेडी। बस जो है ना, हमारा जलसा जो है ना, वो जिमी वाले गए हुए हैं। उनको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि सेटअप करो जाके और मुझे जो है ना फिर कॉल करे बताओ, ताकि हम लोग फिर यहाँ से निकले। अभी मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे घर दिखाता हूँ। ये घर बहुत ही मतलब के इतना भी नहीं, बट अच्छा है यार। मतलब के यहाँ पे रहने के लिए तो ये सही है यार, देख सकते हो आप लोग। और की तो ये इतना बड़ा घर है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। ये गैराज है, गैराज में कोई भी गाड़ियां नहीं है क्योंकि सारी गाड़ियां बाहर रेडी हुई पड़ी है हमारी। बस हम लोग जरा निकलेंगे यहाँ से फिर। और ये बॉडी गार्ड्स मेरे पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी शायद गाड़ियों के पास ही होंगे। बाकी खान साहब तो गाइस ऊपर है। खान साहब जो है ना ऊपर, पता नहीं वो कंप्यूटर यहाँ पे मिल गया है उनको, तो वो उसी पे लगे हुए हैं। शायद वो अपने मुल्क का जो है ना देख रहे हैं क्या सीन चल रहा है, तो वो जो है ना वो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि वो भी प्राइम मिनिस्टर है ना। तो इसी गाइज यहाँ पे जो है ना, ये देखें खान साहब वहाँ पे अंदर चेयर पे बैठे हुए हैं। बाकी तो गाइज ये ऊपर है, यहाँ पे ऊपर का गेस्ट हाउस ये देखें, ऊपर का ये सीन है। यहाँ पे भी बड़ी सी टीवी है और ये सोफा। भाई साहब बहुत ही मजेदार, बहुत ही आला घर है यार ये। मतलब के सैंडी शोर्स में इतना अच्छा मॉडर्न घर जो है ना, मतलब के क्या ही बात है ना। तो ये सीन है गाइज, ये देखें यहाँ से तो ये गैलरी कितनी मस्त है यार। और ये देखें दोनों ही रूम बहुत अच्छे हैं गाइज। ये मतलब कि यहाँ से पूरा एकदम व्यू ही बेहतरीन व्यू आता है भाई साहब। ये देखें, खान साहब ने मुझे बताया, खान साहब को बहुत अच्छा घर लगा था ये। एक अहम बात गाइज आप लोगों को बताना भूल गया कि गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो फटाफट से कर देना गाइज, ठीक है ना। क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है, ये एपिसोड बना रहा हूँ बहुत ही मुश्किल से बनते हैं गाइज। एक एक चीज जो है ना मुझे बार बार जो है ना सेट करनी पड़ती है, बार बार गेम क्रैश होता है, बहुत ही मसले आते हैं प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाने में। और ये बहुत मुश्किल से बहुत टाइम के बाद जाके जो है ना मतलब कि वीडियो बनती है। तो प्लीज जिन लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे जो है ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो फटाफट से वो कर देना। और हाँ, एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना। बाकी चलिए गाइस, खान साहब से मिलते हैं और पूछते हैं क्या सीन है, खान साहब चल रहे हो या नहीं। और मतलब कि चलेंगे तो वो, बट और उनसे पूछते हैं यार स्पीच वगैरह कैसी रेडी की है क्या नहीं। मुझे भी थोड़ी सी स्पीच करनी पड़ेगी, खान साहब को भी करनी है। और पूछता हूँ कि खान साहब ने स्पीच रेडी की है या नहीं, क्या बोलेंगे। वैसे तो वो रेडी वगैरह कुछ नहीं करते, जो भी होता है वो बोलते हैं और दिल से ही बोलते हैं खान साहब। बाकी गाइज ये देखें, गाइज खान साहब का सेटअप दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। क्या बात है खान साहब, बहुत ही जो ना अलग लेवल के बंदे हैं यार। ये देखें भाई साहब, क्या बात है। ओए होए होए होए, ये देखें ना पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। क्या बात है खान साहब, क्या बात है सर, आपका लेवल ही कुछ और है सर। क्या बात है यार, बहुत आला। खान साहब कैसे है, नींद पूरी हुई थी सर? सबसे पहले तुम्हें का प्रॉब्लम, तुम तो मेरे साथ ही थे ना, तुम्हें तो पता होगा। सब छोड़ो, बताओ जलसे का क्या हुआ माइकल? जी जी सर, जलसा जो है ना, जी जी सर जलसा रेडी हो रहा है। पर अभी मुझे जो है जिमी कॉल करेगा, फिर हम लोग निकलेंगे सर। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, मुझे वापस पाकिस्तान की तरफ भी जाना है। अरे सर इतनी जल्दी कैसे सर, अभी तो मतलब आपको कुछ ही 2 दिन हुए हैं सर। नहीं, फ्रैंकलिन तुम्हें पता है मैं भी जो है ना तुम्हें पता है मैं भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, तो इसलिए मुझे भी जो है ना अपने मुल्क को थोड़ा सा सेट करना, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ सर वो तो सही है सर, बट अभी तो आपको ऐसा है, अभी जल्दी नहीं जाने दूंगा। तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछता हूँ गाइज, आप लोग कमेंट्स में बताओ कि खान साहब अभी जाए या कुछ दिन और रुके मेरी तरफ, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताना कमेंट में, खान साहब अभी यहाँ पे रहे कुछ दिन या फिर जाए। खान साहब ये लो भाई, कॉल आ गई जुम्मी की भी। रुको जरा सर, 1 सेकेंड। हाँ हेलो जुम्मी,
हाँ पापा, वो क्या सीन है कि सारा कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे अबे क्या बोल रहा है तू यार, क्या हो गया? पापा मजाक कर रहा हूँ, जलसा रेडी हो चुका है, आपस गाड़ियां निकाले आ जाए फिर यहाँ पे। ठीक चल ठीक है, लोकेशन भेज, सब कुछ इंतजाम हो गया। है पापा, सारा कुछ इंतजाम हो गया, लोग भी जमा हो चुके हैं, खान साहब और आपको देखने के लिए लोग तड़प रहे हैं। अरे क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। चलो ठीक है, फिर हम लोग भी पहुंचते हैं उधर। ओके पापा, ओके ठीक है, पहुंचे पहुंचे। हाँ ठीक है ठीक है, चले खान साहब, जल्द रेडी हो चुके हैं तो हम लोग निकलते हैं। मैंने बोला है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ चलो निकलते हैं, देखते हैं यहाँ पे तुमने क्या सेटअप किया है, कैसा जलसे का सेटअप है। ठीक अरे सर, जलसे का सेटअप देखना, आपको बहुत पसंद आए। है माइकल, चलो चलते हैं। जी सर, आ जाए आ जाए। चलो भाई चलते हैं हम लोग, फटाफट से गाड़ियों में बैठते हैं। और ये गार्ड्स तो हमारे जो है ना इसी घर में रहेंगे, मतलब कि ये घर की सिक्योरिटी वगैरह करेंगे। जलसा करके थोड़ा सा वापस इधर ही वापस आएंगे, क्योंकि गाइस हम लोग जो ना थक जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आराम वगैरह करेंगे, फिर जो है ना हम लोग वापस अपने लॉस सैंटोस जाएंगे। बाकी गाइस खान साहब का मुझे बताओ कि खान साहब यहाँ पे कुछ दिन और रुके, या मैं खान साहब को इजाजत दूं कि वो अपने जो है ना मुल्क वापस जाए, तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, ठीक है? बाकी खान साहब ऊपर से आ जाए तो हम लोग फिर निकलते हैं। क्या बात है माइकल, एक बात बताऊं तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें घबराना नहीं है, समझ? जी जी सर, जी जी सर, किसी चीज से घबरा नहीं रहा हूँ सर। चले सर, गाड़ियां रेडी हो चुकी हैं और देख सकते हैं ये गाड़ी इधर आ चुकी है हमारी, तो आ जाए सर बैठते हैं। और सर मतलब कि आप रेडी है ना सर जलसे के लिए? नहीं तो आप बताएं, नहीं तो आज नहीं करूं अगर आप थके हुए हैं तो। मैं कभी भी नहीं थकता, औरों के लिए तो मैं 24 घंटे हाजिर रहता हूँ, समझ रहे हो? तो एब्सोल्युटली नॉट तुम्हारी बात के लिए। अच्छा सर, चले आ जाए सर, फिर ठीक है हम लोग निकलते हैं सर, गाड़ी में बैठते हैं और जलसे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नजदीकी जो है ना लोकेशन है जलसे की, तो इतना दूर नहीं है, हम लोग फटाफट से पहुंच जाएंगे। सर आ जाए बैठे सर। चलो भाई बैठते हैं हम लोग, और चलो भाई जलसे की तरफ पहुंचाओ जल्दी यार, और फटाफट से हम लोग जलसा करते हैं। जी जी सर, आपको जल्दी पहुंचाता हूँ सर, बहुत अभी निकलते हैं सर, बेफिक्र हो जाए सर, आपको जल्दी पहुंचाते हैं सर। क्या वेट कर रहे हो? जी जी सर, निकल रहे हैं सर। शाबाश शाबाश, जल्दी करो यार। खान साहब थोड़ा सा मुझे भी कुछ स्पीच के बारे में बता देना, मुझे भी जो ना थोड़ा सा पता तो चले और मैं भी जो ना अच्छा सा कुछ बोलूं। माइकल, जो भी है दिल में आपने वो बात करनी है, समझ रहे हो? और हाँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है लोगों को देख के। जी जी सर, वो तो है, बस बस सही से जलसा हो जाए हमारा, कोई मसला ना हो। कोई मसला नहीं होगा, जब तुम्हारे साथ इमरान खान है तो क्या मसला होगा। अरे क्या बात है सर, जी हाँ सही बात है सर। बाकी तो सर ये है सैंडी शॉर्ट्स, देख सकते हैं ये थोड़ा सा, मतलब कि आपको बताया था मैंने, ये थोड़ा सा विलेज टाइप है, तो देख सकते हैं ये। बताया था ना, मुझे ऐसा ही शहर पसंद आते हैं, मतलब कि जहाँ पे ना कोई भीड़ हो ज्यादा, ना कोई कुछ, मतलब कि पहाड़ वगैरह, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं सर। अच्छा सर, अच्छा हाँ सर, आपने बताया था। हाँ तो बस अभी जल्दी करो, जलसे में पहुंचाओ मुझे। जी जी सर, जलसा पर अभी पहुंचने वाले हैं सर, हम लोग पहुंच चुके हैं सर। लो जी खान साहब पहुंच गया। मुझे तो यहाँ पे कोई जलसे का सिग्नल नजर नहीं आ रहा। सर आपको दिखाता हूँ सर, ऐसे करो जाए सर, आप अभी ये यहाँ पे जानवर वगैरह देखें सर, अभी आपको पता है बड़ी ईद आने वाली है सर, मंडी वंडी अभी स्टार्ट हो गई सर, क्या बात है, लोग जानवर लेके आ चुके हैं, जबरदस्त यार, ये मुझे आज पता चला। अबे सही है यार। सर फिर मैं तो कहता हूँ आप ईद भी मेरे साथ ही कर लें। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये क्या कर रहा है यार, ये कहाँ से जा रहे हैं हम लोग? सर वो जमीनों के पास करवाया है ना, तो इसलिए ये सीन है यहाँ पे जो है ना, इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जलसा करवाया है ना। अच्छा, जी जी सर, मैंने आपको बताया था ना, ये थोड़ा सा पुराना टाइप है, यहाँ पे ऐसा ही होता है सब कुछ। बड़ी तो फिर खाली पड़ी, हिंदी मारी बड़ी फॉर द गैंग, मेरी गाड़ी चली मेरी यारी घड़ी, कला भारी पड़ी तो है बैंग।
सही है सही है, कौन मसला नहीं है मुझे। जी जी सर। बाकी सर ईद के बारे में बताए ना। यार उसको देख लेंगे, अब ईद तो मैं पाकिस्तान में ही करूंगा। अरे यार सर चले ठीक है आपकी मर्जी। बाकी सर हम लोग फाइनली आ चुके हैं सर। शुक्र है यार। चलो क्या हुआ, गाड़ी क्यों रखी? आगे नहीं जा सकते सर, यहीं पे उतरना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भीड़ वीड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, पूरी सिक्योरिटी है सर, आप चल सकते हैं सर, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, सारे लोग अंदर ही है सर। चलो ठीक है, चले सर, चले खान साहब। हाँ माइकल चलो चलो जल्दी करो। जी सर चले चले सर, आ जाए। सर हम आपके साथ चलेंगे। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। क्या बात है यार, झंडे वंडे भी लगा दिए है ना, बहुत आला यार, क्या जमीन सेटअप वगैरह करवाया है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे है हमारा जलसा। खान साहब आ जाए सर, कैसा लगा ये सरप्राइज? माइकल क्या बात है यार, आई लव इट यार माइकल, जबरदस्त, मेरे झंडे लगा दिए तूने पार्टी के, क्या बात है। सर अभी तो और भी चीज आपको दिखानी है, आपके लिए सरप्राइज और भी है। अरे माइकल क्या बात है यार, जबरदस्त यार, घबराना बिल्कुल भी नहीं है यार। जी जी सर आ जाए आपको दिखाता हूँ। सर अभी आप यहीं पे रुके सर। क्यों क्या हुआ? सर अभी आपको ना, सर अभी आपको जो ना बुलाएंगे तो फिर आप जाएंगे सर। चलो ठीक है फिर, जिमी को बोलो जल्दी बुलाए मुझे यार। हाँ साहब अभी थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, हमारी इंट्री होगी ना तो इसलिए। ओ माइकल सही है यार, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे कि इतना अच्छा जलसा करवाओगे तुम। अरे सर थैंक यू सो मच, चलें शुक्र है आपको पसंद आया। तो मैं देखना चाहता हूँ अंदर से। हाँ सर अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लोगों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आप सबकी तालियों से मैं हमारे दो प्राइम मिनिस्टर्स को वेलकम करता हूँ इस जलसे में, जो कि अभी पहुंच गए हैं, और आप सबकी तालियों से हम लोग वेलकम करेंगे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके साथ साथ हमारे दिलेजर द किंग द गॉड इमरान खान न्याजी साहब, वेलकम करते हैं, तालियां जोर से होनी चाहिए। है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। क्या बात है सर, देख सकते हैं लोग आपके लिए पागल हो रहे हैं सर, और कितने सारे लोग आए हैं आपके लिए सर, क्या बात है सर। और पीछे सर आपने देखा बैनर आपका, मैंने ये खास आपके लिए बनवाया है था आपका सर सरप्राइज। क्यों जय क्यों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको तो आवाज़ ही नहीं जा रही होगी, माइक पे बोलना पड़ेगा ना। आए आप पहले बैठे हैं, आप खान साहब बैठ चुके हैं। पापा कैसा लगा फिर? यार जबरदस्त जिमी, तू काम एकदम नंबर वन काम करता है तू। और ये यहाँ पे सोफे वोफे वी आई पी एकदम काम किया है तूने, और हाँ ये पिक्चर वगैरह, क्या बात है जिमी, तुम्हारी गिफ्ट बनती है भाई अब। अरे पापा जबरदस्त यार, थैंक यू सो, क्या देने वाले हो? वो तो भाई पता लगेगा जल्दी। गिफ्ट देना मुझे। अच्छा ये सही है, अभी रुको जरा। अस्सलाम वालेकुम लोगों, कैसे हो तुम लोग? क्या बात है क्या बात है, क्या बहुत बड़ा आप लोगों ने, आप क्या बात है, जबरदस्त जज्बा है आपका, काफी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तुम लोगों से। मुझे साहब से मिलके आप लोगों को कैसा लगा, चिल्ला के बताओ। सर देख रहे हो आपकी मोहब्बत, लोग कितना मोहब्बत करते हैं आप। हाँ माइकल ये तो बस लोगों का प्यार है, और हाँ ये पीछे पिक्चर बहुत अच्छी लगवाई है तुमने मेरी। अरे सर कोई नहीं सर, चले सर मैं शुरू करता हूँ पहले, ठीक है सर? क्या ठीक है, बिस्मिल्लाह करो। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। अच्छा तो हमारा मकसद ये था यहाँ पे जलसा करने का, कि तुम लोगों को हम बताते चलें कि यहाँ पे किसकी हुकूमत चल रही है,
एक बंदे की हुकूमत है बट वो तो अपने आप को गुंडा समझता है, वो पता नहीं क्या समझता है खुद को, और वो यहाँ पे आप लोगों को पे हुकूमत करके बैठा है। ना कुछ उसने दिया है आप लोगों को, ना कुछ वो आपको दे रहा है, मतलब कि वो अपना सब कुछ हड़प रहा है। वो जितना भी जो है ना कमा रहा है, वो सब कुछ अपने लिए कमा रहा है, ना कि आपके लिए। मैंने ये सैंडी शोर्स घूमा है, मैं लॉस एंजेलिस से इसलिए तो आया था कि मैं सैंडी शोर को भी थोड़ा सा अपग्रेड करूं, और खान साहब भी जो है ना इसीलिए ही आए हैं कि ताकि वो भी मेरी इसमें हेल्प कर रह सकें। तो आप लोगों ने अभी करना ये है कि जिसकी भी अभी हुकूमत चल रही है उसको आपने अभी गिराना है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो आपको यहाँ से गिरा देगा और आपको और भी ज्यादा बर्बाद तबाह कर देगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने हक के लिए लड़ें, अपनी आवाज उठाएं, और जिसका वोट बनता है उसी को वोट दें, जो आपकी हेल्प करे, जो आपके साथ रहे, जो आपके साथ उठे बैठे, और मतलब कि आपके प्रॉब्लम्स को समझे, ठीक है। तो मैं ज्यादा स्पीड नहीं करूंगा, आगे जैना खान साहब आपको समझा देंगे, और मुझे पता है आप लोग भी खान साहब का ही वेट कर रहे हो ताकि वो भी आप स्पीच करें। तो चलिए मैं भी खान साहब को बुलाता हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें दी लेजेंड, दी गोट, दी किंग, रियल किंग, इमरान खान साहब। सर आए आप, अभी स्पीच आप करें सर, मेरा हो गया सर, अभी आप स्पीच करें। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों का प्यार और ये सब कुछ देख के बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। आप इतने लोग आए मेरे जलसे में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इमरान खान नियाजी आपको बताता चलूं कि आपने कभी भी घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए आप लोग। और मेरे पाकिस्तानियों, अबे जेठ, अरे 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 चाचा, अरे उतर जाओ यार, ये क्या, इसको उतारो, इसको नीचे उतारो, अरे इस अंकल को नीचे उतारो, इसको नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ऐसा ना करे, चौबा नीचे आ जाए, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शाबाश नीचे आ, तो शाबाश। तो मैं बताता चलूं, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और इम्पोर्टेंट हुकूमत आपने बोलना है ना मंजूर, समझ गए, अभी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को आपने मंजूर नहीं करना, समझिए मेरे नौजवान, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों। अरे यार, अरे चाचा चले जाओ, अरे अरे चाचा क्या कर रहा है ये, इसको उतारो बेटा, इसको उतारो जिमी बेटा, अरे यार, अरे अरे जंप मारे, चाचा गिर जाओगे इस उम्र में, ये क्या कर रहा है, घबराना नहीं है चाचा, उतर जाए, शाबाश यार, उतारा इसको जल्दी करे। और मैं बताऊं कि जो माइकल कह रहा था, माइकल मेरा दोस्त, आपको कह रहा था कि यहाँ की हुकूमत को आपने मंजूर नहीं करना और अपने हक के लिए लड़ो, तो ये सही कह रहा है, आपने अपने हक के लिए लड़ना है, जो सच्चा ईमानदार इंसान हो आपने उसी को वोट देना है। और हाँ, यहाँ पे जो भी आप पे हुक्मरानी करे उनको अपनी औकात दिखाए। मैं बताता चलूं मेरे पाकिस्तानियों, अपना और लॉस एंजेलिस के लोगों, शब और सैंडी शोर्स के लोगों, उठो, अपने लिए आवाज उठाएं, और जो सही लगे उनको वोट दें, उनको वोट। अरे पाकिस्तानियों और सैंडी शोर्स के लोगों, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने लोगों को जो गलत करेगा उनको वोट दोगे, क्या बात है, शाबाश। और हाँ, एम शाह गेमर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरे पाकिस्तानियों, तरीन और सैंडी शोर्स के लोगों, मुझे आपका प्यार, आपका सपोर्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, घबराना मुश्किल नहीं है, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, मेहरबानी, शुक्रिया।
चले माइकल, मेरा तो हो गया स्पीच। अच्छा सर, ठीक है सर, फिर निकले सर फिर यहाँ से। हाँ निकलते हैं, मैं भी अभी थक गया हूँ बहुत। चले ठीक है सर, चलते हैं फिर। पापा कैसे नहीं फिर जा रहे हो? हाँ हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और बाकी तुम लोग ये संभालो यहाँ पे, और इन लोगों को लिए जो खाना वाना रेडी करवाया है उनको खिलाओ। बाकी हम लोग फिर अपने जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? तुम भी उतर आओ फिर, हम लोग खाना वाना खाते हैं। ठीक है पापा, आप चले फिर, हम आते हैं यहाँ पे इनको खाना खिला के। ठीक है ठीक है ठीक है, चले खान साहब। बाकी ये लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। जी जी सर, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, और एमशा गेमर पे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। हाँ सर। ओके जिमी, फिर आ जाना वहाँ पे। खान साहब गाइस, हम लोग चलते हैं अभी। खान साहब चले, हम लोग निकलते हैं फटाफट से गेस्ट हाउस की तरफ। जलसा बहुत अच्छा हो गया। जलसा अच्छा हो गया या नहीं सर? फिर कैसा हुआ जलसा? यार माइकल बहुत अच्छा हो गया यार, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा हो जाएगा, बट बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेहतरीन जलसा हुआ। अरे सर क्या बात है सर। सर बहुत अच्छा हो गया जलसा। चले सर फिर चलते हैं। बॉयज गाड़ी निकाल लो, निकलते हैं, ठीक है? गाड़ियों को मोड़ लो। जी सर, चलते हैं फिर। जी सर, गाड़ियों को ऑलरेडी मोड़ लिया है सर। चले। अच्छा क्या बात है यार। चलो सर, चले सर फिर। चलो चलो। शुक्र है खान साहब, आपको मजा आया, और उम्मीद है लोगों को भी मजा आया होगा। तो खान साहब बस वीडियो को भी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है ना? हाँ माइकल, हाँ ठीक है, सही है। और राइट, तो गाइस हम लोग जाना, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं क्या तो यार कर देना फ्री में, ठीक है ना? लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी अच्छा सा कर देना। बाकी वीडियो कैसी लगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, को तो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।